मेन मार्केट में खड़े हो, यहाँ से देख लो कैमरा मारो कितना विकास है, फिर यहाँ से निकलो गंगेश्वर की तरफ, आपको मालूम पड़ जाए कितना विकास है। देख बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, सभी में जाट ही जाट है, अदर है, क्यों माइनॉरिटी कोई जात नहीं है क्या? माइनॉरिटी के कोई वोट नहीं लगते क्या? जहाँ पर काम होता है वहाँ पर राजनीति करके उस काम को रुकवा दिया जाता है, लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया है। विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद डॉक्टरों की कमी, शायद हो सकता है एक्सरे और वो सोनोग्राफी वाली मशीन भी नहीं है। नमस्कार, द नगरी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। चुनावी नगरी में हम निकल पड़े हैं चुनावी सफर पर, जहां हम आज आपको लेकर चलेंगे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के एक कस्बे में जिसका नाम है बिसाऊ, और यहाँ पर जानेंगे जनता से उनका रुझान और जनता ही बताएगी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। तो आइए आपको लेकर चलते हैं बिसाऊ कस्बे में, और एक बिसाऊ यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आइए चलते हैं। जनता जनार्दन से ही बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या है उनके इस समय के मुद्दे और क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या वो अपने भावी विधायकों से ये एक्सपेक्ट करते हैं। आइए बात करें। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा। जी राजेंद्र जी, क्या लगता है, क्या समीकरण बैठ रहा है बिसाऊ में, झुंझुनू में, कि किस तरीके से क्या चीज़ है? हमारे यहाँ से तो रीटा जी चौधरी खूब काम करवाए हैं मंडावा विधानसभा से, और दूसरी बार भी कांग्रेस की ही सरकार मिलेगी। रीटा चौधरी और बीजेपी से कौन किसको लग रहा है कि टिकट मिलने की कोई आशा? जी को मिलेगी बीजेपी से, कांग्रेस से। कांग्रेस से रीटा जी को मिलेगी, रीटा चौधरी। अभी अभी भी रीटा चौधरी ही यहाँ पे विधायक है, तो क्या किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं, क्या काम करवाए हैं रीटा जी ने? बहुत काम करवाए हैं विधानसभा में, बहुत काम कर रहे हैं जी। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम अरुण कुमार क्याल है। अरुण जी, ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही सत्य बात है। यहाँ पे हमारे विधायिका महोदय ने, यदि आप 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देखो, और इसके पहले भी इनके पिताजी विधायक यहाँ से रहे हैं, जिस हिसाब से काम होना चाहिए मंडावा विधानसभा क्षेत्र में, सबसे बड़ा नगर बिसाऊ ही है, तो बिसाऊ में यदि आज आप देखो तो काफी वर्षों से इन्हीं का वर्चस्व रहा है, परंतु विकास के कार्य के नाम पे जीरो है। और यहाँ पे न तो कोई डॉक्टर की सुविधा है, न हो रहा है, जैसे एम्बुलेंस यहाँ पे आई हुई को वापस लेके चले गई है हमारी विधायिका महोदय ने, और कई तरह की असुविधा यहाँ पे है जिसकी कहानी जा सकता है, जैसे बच्चों का शिशु हॉस्पिटल है उस पर भी कोई ध्यान नहीं है, और चाहे कांग्रेस सरकार समझ लो, चाहे हमारे स्थानीय विधायिका मोदी समझ लो, जब चुनावों की टाइम आती है उस टाइम में जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं, उसी हिसाब से बिसाऊ की जनता को लॉलीपॉप दी जाती है। आज बिसाऊ की कॉलेज यहाँ पे काफ़ी बच्चों से होनी चाहिए थी, जो अब जाके लास्ट के अंदर में चुनावी साल के अंदर जो कुछ महीने बचे, 2-3 महीने, तब उसकी घोषणा हुई है। अब हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने भी इसी 30 तारीख को तो उसका उद्घाटन करके गए हैं, परंतु ये नहीं समझ में आता किस चीज़ का उद्घाटन किया, कॉलेज की नींव का, परंतु वो कागजों में हुई है, कहाँ तक हुई है वो तो आगे आने वाला भविष्य ही बताएगा। तो कांग्रेस सरकार की हमेशा इनकी ये रही है, यहाँ पे कृषि मंडी आज से करीब 2-3 साल पहले पास हुई थी, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, तो ये तो कांग्रेस सरकार का रवैया ऐसा ही है, चुनावी साल के अंदर में खाली लॉलीपॉप दी जाती है और विकास कार्य के अंदर में नील है। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में किस कैंडिडेट से आपको उम्मीद है? देखो कैंडिडेट तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही नील है, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से। कोई निर्दलीय है? निर्दलीय तो अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तो गट के अंदर में अभी समय है चुनाव का, जब टिकट की घोषणा हो जाएगी विपक्ष की पार्टी की तब मालूम चलेगा, और अभी तक तो यदि आप देखो तो विकास के अंदर में कोई काम नहीं है और कोई कैंडिडेट भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। ये भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी सर। ना मैं तो गजिया ने सुना था, अभी आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जी। मतलब ये है ना, मेरे पास फोन आया था, आप किसको वोट दोगे? कल आया था इसकी तरफ से फोन आया था, पता नहीं कौन किसने करा था, कल का फोन आया था, तो मैंने कहा कि बात समय बताएंगे, बाद में बताएंगे। हाँ, क्या कारण रहा कि बाद में बताएंगे? कारण ये पूछ रहे थे कांग्रेस को दोगे भाजपा दोगे, मेरे को तो लोभ ये तो हम कुछ निर्णय नहीं करेंगे। क्या लगता है, क्या अभी जो है प्रत्याशी उसमें मतलब कोई विकास कार्य हुआ है नहीं हुआ है, आप किसको चुनना चाह रहे हैं, किसको मत देंगे, क्या है आपका विचार? नहीं, जो विकास कार्य रहेगा उसको चुनेंगे हम, तो विकास कार्य है जो करेंगे उनको चुनेंगे। अभी किया है जो अभी है फिलहाल,
अब तो भाई साहब बता रहे थे वो सही बात है, एकदम सही बात है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है किसी तरीके से। दोनों बातें हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, दोनों बातें। जी सर, क्या नाम है? मेरा इरफान। इरफान जी, क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बैठ रहा है अब तक, क्या विकास कार्य हुए हैं, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस पार्षद की विधायक की आप उम्मीद कर रहे हैं? अभी तक के चुनाव में भी समय है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं यहाँ से, जो पूर्व सांसद है नरेंद्र जी, और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन यहाँ से 3 कैंडिडेट थे जिन्होंने टिकट मांगी है। कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सिंगल नाम ही यहाँ से गया है, जिस पर माननीय राहुल गांधी जी ने आपत्ति भी जताई थी कि सिंगल नाम ही कैसे आया, जबकि यहाँ से तो 3 नाम गए थे। वहाँ पे आगे किस तरह की राजनीति की गई? कौन कौन से 3 नाम गए हैं? यहाँ से 3 नाम थे, तो वर्तमान विधायक रीटा चौधरी का है, एक यहाँ के बिसाऊ के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सदीक खान जी, एक यहाँ के प्रिंसिपल अख्तर हुसैन जी, और एक नाम किसका गया? अख्तर हुसैन जी, और एक वर्तमान विधायक का नाम है सदीक खान जी का नाम है। 3 नाम यहाँ से गए थे, लेकिन उनके नाम राजनीति की भेंट चढ़ गए, उन्हें कट कर दिया गया है। और वर्तमान विधायक को अगर टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उनकी हार निश्चित है, क्योंकि उन्हें पहले भी मंडावा की जनता 2 बार नकार चुकी है, और बार बार नकारे हुए व्यक्ति को अगर आप जनता पर थोपते हो तो परिणाम तो आपके अनुकूल आएंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मंडावा के जो विधायक है, उन्होंने लोकतंत्र में कहावत है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, लेकिन उन्होंने इनके विपरीत काम किया है, हमेशा बदलाव की राजनीति न करके बदले की राजनीति की है, तो परिणाम निश्चित तौर पर उनके खिलाफ है, जनता में माहौल उनके खिलाफ है। किस तरह का बदला, किससे बदला, मतलब थोड़ा समझाइए। मतलब अगर आपके उनके साथ हो, या आप उनके साथ 2-5 लोग हैं, उनके कहने पर ही अगर आपको कोई काम है, आप वोटर हो, तो आप सीधे नहीं जा सकते। अब 5 साल तक बीच में समय था, जयपुर में मजे ले रहे थे, अब यहाँ पर गली 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 घूम रहे हैं, तो जनता सब समझती है, सब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो जनता समझदार है, निश्चित तौर पर मंडावा में बदलाव होगा। सरकार तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी दोनों पार्टियों की टिकट वितरण नहीं हुए, अभी तो 41 सीटों पर भाजपा के टिकट वितरण हुए, पूरा समीकरण तो टिकटों के बाद ही कहाँ कितने। आप क्या चाहते हैं कि किसकी बननी चाहिए? मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार कांग्रेस की बने, लेकिन मंडावा में बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तालिब खान है। जी मोहम्मद जी, बताइए क्या, किस तरीके से क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? मेन मार्केट में खड़े हो, यहाँ से देख लो कैमरा मारो कितना विकास है, फिर यहाँ से निकलो गंगेसर की तरफ, आपको मालूम पड़ जाए कितना विकास है बिसाऊ में। और सबसे पहले मुद्दा भाई ने बता दिया, नितिन ने, एम्बुलेंस का बिसाऊ में, वो अभी तक नहीं पहुंची है। और झूठी घोषणा 2-3 हुई है, इंग्लिश मीडियम देख लो, वो भी झूठी घोषणा, वहाँ पे जाके बच्चा देख लो कितने, तो ये हमारा मुद्दा है। पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन से रुके हुए हैं, क्या आपको शिकायत है और क्या लगता है कि क्या चीज़ें अब तक हुई? विकास तो सिर्फ कोई छोटी मोटी गलियों में कोई रोड डाल दिया है और कोई पाइपलाइन, वही है, बाकी मेन मुद्दा है वो नहीं हुआ। यहाँ से मातृ शिशु हॉस्पिटल हमारा छोटा बच्चों का, उसके लिए मैंने बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन यहाँ से सुनते हैं इसी कान से निकाल देते, उसके लिए कुछ भी नहीं किए, उसके लिए जनता यहाँ से पूरी रीटा के खिलाफ है। देख लो, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन अब भावी विधायक होगा? अरे कोई भी निर्दलीय आएगा उसके साथ है, खुल कोई भी निर्दलीय आएगा, क्या लगता है कौन निर्दलीय आना चाहिए? निर्दलीय 2 नाम बताए हैं, अख्तर हुसैन और मोहम्मद सदीक खान, निर्दलीय आएंगे। विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद डॉक्टरों की कमी, शायद हो सकता है एक्सरे और वो सोनोग्राफी वाली मशीन भी नहीं है, उसके बाद में कृषि मंडी पास हुई थी बिसाऊ में 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले जिस जगह पर कृषि मंडी पास हुई थी उसी जगह पर कॉलेज भवन का शिलान्यास कर दिया गया है। ये तो मीठी गोलियां है, अभी 30 तारीख को शिलान्यास हुआ है खेल मैदान और कॉलेज का, 10 दिन बाद आचार संहिता लग रही है, तो कॉलेज मैदान कहाँ से बनेंगे? 4 साल युवाओं ने प्रयत्न किया लगातार खेल मैदान के लिए, तब जाके एक मीठी गोली दी गई, तो वो भी थोती घोषणा है। कॉलेज का काम अभी चल रहा है, लेकिन वो चलेगा कितने दिन? जब तक चुनावी रिजल्ट नहीं आएगा तब तक, उसके बाद वो भी नहीं होगा हमारी नज़र में, तो वो भी नील है। और स्थानीय विधायिका का इस बार पता निश्चित तौर पर कटेगा, पता कटने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर गाँव में चार पाँच अपने चमचे बना रखे हैं, ठीक है, अपन काम लेके जाएंगे तो बोलेगी उनका फोन करवाओ, क्यों, तो हमने वोट नहीं दिए क्या? 4 लोगों ने वोट दिए क्या? तो वो ठेकेदार हैं क्या हमारे, उनके कहने पे काम करोगे क्या? हमसे वोट किस नाम पे लिए गए थे? उन 4 बंदों ने वोट थोड़ी दिए थे। सबसे बड़ा हार का कारण तो इस बार यही होगा, और इस बार हमने देखा है, इस बार बिसाऊ नगर पालिका में जितनी गंदी राजनीति हुई है आज से पहले कभी नहीं हुई। 4-5 वही लोग हैं, नगर पालिका में चले जाओ, थाना में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ सरकारी दफ्तर में,
आगे बैठे मिलेंगे, काम के लिए जाएंगे तो कर्मचारियों को डराएंगे, इनका काम नहीं होना चाहिए। क्यों, हमने वोट दिए उसके बावजूद ये बोले इनका काम नहीं होना चाहिए। भाई आपने ही वोट दिए हैं, हमने वोट नहीं दिएगा, काम क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा भी तो अधिकार है, हमने भी तो विकास के लिए मैडम को वोट दिया ना, तो वोट वो चार पांच लोग वो ही देंगे, अब वो कौन से वोट देंगे मैडम को वो जाने। इन चार पांच लोगों की वजह से मैडम का पता इस बार साफ हो जाएगा, और बिसाऊ से हर बार प्लस रहती है, इस बार मैडम का पता बिसाऊ से बढ़िया कटेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। मैडम की हार है बिसाऊ, ग्यांग्या सर, अलसी सर, मलसी सर, हर जगह से मैडम माइनस में है। और बीजेपी का जो अभी वर्तमान में कैंडिडेट शायद नरेंद्र जी खिचड़ वो भारी है, और बिसाऊ की जनता का रुख धीरे 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 नरेंद्र जी की तरफ बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पर भारी लीड नरेंद्र जी को मिलेगी बिसाऊ से। इसका रीजन ये चार पांच चमचे वो मैडम को लेके बैठेंगे। आप क्या चाहते हो, आप किसको चाहते हो आपका भावी विधायक उसको मिलना चाहिए? वो देखो रीटा चौधरी को नहीं चाहते, इसका पता यहाँ से कटे। इसके अलावा कोई भी हो एमएलए रीटा चौधरी को वोट नहीं देंगे, और देने भी नहीं देंगे, जितने जानकार है उनको सबको रोकेंगे, इसको वोट मत दो, इससे इसको वोट देने से बेहतर है गड्ढे में वोट डाल दो, लेकिन इसको वोट नहीं देना। गंदी सोच की राजनीति करती है मैडम चार पांच लोगों के कहने से, और जिसका खामियाजा इस बार भुगतना पड़ेगा। मुझे क्या लगता है, क्या ये सही कह रहे हैं भाई साहब रीटा चौधरी? सबका अपना अपना मानना, ये सही भी कह रहे हैं, कुछ की आपको जैसे पहले मिले थे वो भी कह रहे थे, वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, तो बात अपनी जगह दोनों की सही है। दोनों की अपनी जगह कैसे सही होगी, या तो विकास कार्य हुए हैं या नहीं? उनकी तरफ बोलेंगे, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा? मैं आप अपनी बात बताइए कि आप किसको क्या किस पक्ष में बात करना चाहते हैं? मैं किसी भी पक्ष में ले लो, यहाँ क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि कौन विधायक, क्या कौन सा भावी विधायक होना चाहिए, क्या विकास कार्य हो? चाहता हूँ कि माइन रोटरी के यहाँ काफी वोट है, तो हमें भी एक मौका तो मिलना चाहिए भाई माइन रोटरी को। क्या है कि बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, सभी में जाट ही जाट है, अदर है। क्यों, माइन रोटरी कोई जात नहीं है क्या? माइन रोटरी के कोई वोट नहीं लगते क्या? माइन रोटरी को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या आगे आने के लिए? माइन रोटरी को भी मौका मिलना चाहिए, जैसे सदीक खान ने, अख्तर हुसैन जी ने अपना नाम दिया था, उनका नाम कट हो चुका है, तो भाई माइन रोटरी के वोट नहीं पड़ते क्या? उनका नाम कट कैसे हो गया? उनका भी तो नाम पैनल में जाना चाहिए था, यहाँ से सिंगल नाम गया उस टिकट को घोषणा, जैसे मान लो कि नाम चल गया है, अभी भाई लिस्ट नहीं है, ये घोषणा नहीं हुई है, तो क्यों भाई? हमारा भी तो हक है, हमें भी तो लड़ने का हक है, आज़ादी में हमारा भी हिस्सा था। मैं ये मानूं कि रीटा चौधरी जी जो भी यहाँ थी, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए किसी तरीके का कोई काम या कोई चीज़ें नहीं आगे बढ़ी। सब यहाँ पे क्या है कि माइन रोटरी मान लो या अलग कास्ट मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे पांच छह भाई ने बताया था, वो अदर ने बताया कि चार पांच चमचे गुर्ग जिसे बोलते हैं हम, वो फिरते हैं, उन्हीं के काम फोन से काम होता है उन्हीं की। ये चमचों की बात मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये चमचों की भूमिका क्या है, किस भूमिका? चमचों की भूमिका वो होती है कि आप जैसे मान लो किसी पद पे हो, आपके नीचे जो कार्यकर्ता होते हैं चार पांच, उनको चमचे बोलते हैं कि वो आपके तो यहाँ कुछ बोलते हैं, मेरे वहाँ कुछ बोलते हैं, उनको चमचा गिरी कहते हैं कि यहाँ कुछ बोलते हैं वहाँ कुछ बोलते हैं। क्या मतलब किस भूमिका में रहते हैं आप लोगों को, किस तरीके से ये भ्रमित करते हैं, कैसे गुमराह करते हैं ये लोगों को, गुमराह करते हैं? जैसे मान लो चेयरमैन जी ने कोई काम करवाया, ठीक है, चेयरमैन जी ने पास कर दिया, तो वो चमचे जाएंगे, वो उस पर दबाव बनाएंगे, ये काम नहीं होना चाहिए, आप ये करोगे तो हम मैडम को फ़ोन करेंगे, मैडम को, फिर वो मैडम को फ़ोन करते हैं, चेयरमैन जी ने वो हमें वोट नहीं देता, वो हमारे पक्ष विपक्ष का है, उसका काम कर दिया तो उसको दबाव बनाकर उनका काम टलवा देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद जी क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं कि बिसाऊ में विकास हुआ है ना, कि बिसाऊ बाईपास का विकास हुआ है। अंदर में आके देखो आप, बिसाऊ की गलियों को देखो, बिसाऊ का ये जो मेन रास्ते हैं इनको देखो, यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं है, विकास बाईपास को दिखाया हुआ है। वहाँ पे जो ये भाई बता रहे ना, ये रियल बात है, मैडम के पांच सात जो चमचे हैं उनकी सुनाई होती है और कोई काम नहीं है यहाँ। बस पहले कोई काम कराना है, चाहे नगर पालिका में हो चाहे विधायक जी से हो, पहले उन चमचों से मिलो, चमचे जिसके पक्ष में है तो वो करवा देंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे, बस काम यही हुआ है बिसाऊ में। अब आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन भावी विधायक होना चाहिए, आपका आपका मत क्या? सरकार तो वक्त बताएगा, हम तो बिसाऊ से, हमारे पूर्व चेयरमैन हैं सदीक जी,
उनकी सपोर्ट में हैं। उन्होंने टिकट मांगी है, टिकट नहीं मिली है, लेकिन निर्दलीय से होंगे तो भी उनके साथ हैं। बसंत जी, क्या लगता है, क्या समीकरण बैठ रहा है, क्या विकास कार्य हुए हैं बिसाऊ में, या और क्या लग रहा है भावी विधायक किसको अपना मत? अभी समीकरण तो ये है, पहले विकास कार्य बता दूं आपको। ये अभी यहाँ से बाजार से 100 मीटर चलेंगे, यहाँ से दिख लील करके आगे विकास कार्य, देखो रोड टूटी हुई पूरी। और बात करें मेरे मोहल्ले की, तो मैं मेरे मोहल्ले का पार्ट, कौन सा मोहल्ला है आपका? वार्ड नंबर 14 छेजारा का मोहल्ला, वहाँ का मैं मेम्बर हूँ। बिसाऊ में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कराया हूँ, 333 वोटों से। आप अपने मोहल्ले के पार्षद हैं तो अपने एरिया? मेरा बूथ नंबर है 68, ये पूरे मंडावा विधानसभा में एक नंबर पर बीजेपी रहता है। 1000 वोट है तो 999 बीजेपी रहता है। लेकिन उस वार्ड में आज से 2 साल पहले एक रोड पास हुई थी, वो आज तक जहाँ एंट्री होती है ना, जहाँ स्कूल है वहाँ तक तो, जहाँ कांग्रेस के वोटर है वहाँ तक तो उन्होंने रोड बना दी, और जहाँ हमारा वार्ड शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर उन्होंने बीच में छोड़ दी है। ये पूरी भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। जो स्थानीय विधायक है रीता जी चौधरी, उन्होंने पूरी सरासर भेदभाव की राजनीति की है। और विकास देख लो आप, 2 साल हुई रोड को उन्होंने रोक रखा है, और अभी जो काम हो रहे हैं, जो बिना टेंडर काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप धरातल पर देखे कुछ भी काम नहीं हुआ है, जहाँ पर काम होता है वहाँ पर राजनीति करके उस काम को रुकवा दिया जाता है। और यहाँ पर बिसाऊ में अल्पसंख्यक समुदाय जो भी है वो हर बार रीता जी को अच्छा वोट देते हैं, यहाँ से अच्छी लीड देती है, लेकिन इस बार बिसाऊ का अल्पसंख्यक वो समुदाय भी उनसे काफ़ी नाराज है। और विकास के नाम पर तो उन्हें वोट मिलेंगे नहीं, उन्होंने विकास के नाम पर बिसाऊ के दम से ख़त्म कहानी कर दी है, दम से लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया है। और कोई यहाँ पर जो रोडवेज स्टैंड पर आती है उसको भी नहीं आने दे रहे हैं। कहने का मामला यही है कि भेदभाव की राजनीति हो रही है बिसाऊ में। आप क्या लगता है आपको कि आपका मत किसको जाना चाहिए और कौन आपकी तरफ से भावी विधायक? ये नरेंद्र जी खिचड़ है, उनको हम खुला वोट देंगे, वोट दिलाएंगे। और पूरे मंडावा विधानसभा से मेरा बूथ नंबर 68 है, उस पर पूरा मंडावा विधानसभा फिर विजयी बनाएंगे। और बिसाऊ में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको, उनकी भी यही इच्छा है। एक और बात बता दूँ आपको, आज ये जो मेरे परदादा जी कांग्रेस थे वो भी पार्षद थे नगर पालिका में, उसके बाद उसके मेरे दादाजी गोपीराम जी वो भी कांग्रेस के पार्षद थे, उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ पे फर्स्ट बार बीजेपी चेयरमैन बने थे, उसके बाद मेरी मम्मी चेयरमैन बनी, आज मैं भी बीजेपी से पार्षद हूँ। पहले कहने मतलब पहले हम मेरे दादाजी कांग्रेस थे, लेकिन कांग्रेस ने जो बिसाऊ में मेरे पिताजी के साथ भी, उन्होंने दादाजी के साथ भी भेदभाव किया, उसके बाद हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा पिताजी ने और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। पार्टी बुरी नहीं है, आदमी बुरा है। आज कांग्रेस बुरी नहीं है ना बीजेपी बुरी, लेकिन ये आदमी बुरा है। हम आज धरातल पे इन्होंने जिस तरह से भेदभाव किया है वो एकदम से सरासर गलत है। हम ये पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, आदमी का विरोध कर रहे हैं। आप किस पार्टी से हैं? मैं बीजेपी से हूँ। हाँ, मैं बीजेपी को वोट कराऊंगा, क्योंकि ये जो स्थानीय विधायक है उन्होंने हमारे दिशा में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। तो ये वही माइलस्टोन है जहाँ से हमने शुरू किया था और हम फिर से वहीं पर आ गए हैं। और आपने देखा, अभी हम थे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के बिसाऊ कस्बे में, जहां हमने जनता से जाना विधायकों का रिपोर्ट कार्ड और जनता ने बताया अपना रुझान। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे ही किसी कस्बे में और ऐसे ही किसी गांव और धानी में। तब तक के लिए नमस्कार।